भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। ऐसा माना जाता है यह मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अमीर मंदिरों में से एक है। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता की ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। मंदिर में एक और अजीब घटना होती है जिसे लेकर लोग कहते हैं कि सच में यहाँ भगवान रहते हैं। मंदिर में बालाजी मूर्ति पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से आवाज आती है। यह आवाज समुद्र की लहरों के समान होती है। एक बात और आश्चर्य करती है, वो ये है कि मंदिर में बालाजी की मूर्ति हमेशा पानी से भीगी रहती है। जैसे समुद्र के पास एक शांति सी महसूस होती है, वैसा ही एहसास मंदिर में होता है। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के बाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल अवस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता है। इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यह बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल फूल दही दूध घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यहाँ पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है, उनके शरीर पर पसीने की बूंदें दिखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। दोस्तों, यह थे तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन आपके मन में जरूर भगवान के प्रति आस्था जाग गई होगी। भगवान के इस चमत्कार को सभी तक पहुंचाने के लिए सच्चे मन से वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।